लिखिए नेक्स्ट टेम्परेचर का अगला है हॉरीजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हॉरीजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर क्या मतलब कि अर्थ सरफेस पर जैसे ये अगर हमारा अर्थ का सरफेस है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये क्या है ये हम हॉरिजॉन्टली यानी कि अर्थ सरफेस के पैरेलली मूव कर रहे हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमें क्या पता चला टेम्परेचर बदल गया इसी को कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये अपनी अर्थ है ठीक ये जीरो डिग्री है यानी कि इक्वेटर और ये नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पोल है ना तो आप क्या करो आप यहाँ से यहाँ तक जाओ यहाँ पर अभी आप जीरो डिग्री पर रहोगे तो क्या है तो गर्मी लग रही है एसी चलाओगे और यही यहाँ पहुँच गए तो क्या हो गया टम्परेचर माइनस तीस डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए तो ढेर सारे कपड़े और गर्म कपड़े न जाने क्या क्या पहनना पड़ेगा तो ये क्या है ये हॉरिजेंटल मूवमेंट ही तो है जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री तो क्या कहेंगे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस हिसाब टेम्परेचर होरिजेंटली बदल रहा है तो जब टेम्परेचर बदल रहा है तो यानी कि टेम्परेचर हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है टेम्परेचर की हर जगह वैल्यू अलग अलग है ठीक है तो अगर मैं कहूँ इसी केस को अगर मैं कहूँ कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली या टेम्परेचर दोनों हर जगह डिफरेंट मिला पोल पर भी और इक्वेटर पर भी तो ये टेम्परेचर डिफरेंट क्यों मिला इसकी भी जांच करनी चाहिए है ना भाई या अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूँ या अगर मैं इक्वेटर से पोल पे जा रहा हूँ या पोल से फिर इक्वेटर पे आ जा रहा हूँ तो मुझे टेम्परेचर में वेरिएशन मिला तो फिर मैंने सोचा कि आखिर ये टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों है मैं तो कहीं ऊपर उठा भी नहीं भाई वैसे पता ना मुझे कि लैप्स रेट है ऊपर उठूंगा अगर वर्टिकली जाऊंगा तो लैप्स रेट है टेम्परेचर कम होगा लेकिन यहाँ पर क्यों कम हो रहा है यहाँ तो मैं सेम हाइट पर हूँ तो क्या लिखेंगे लिखेंगे टम्परेचर चेंज टेम्परेचर चेंज एज वी लिखिए लिखिए पहले टम्परेचर चेंज टेमचर चेंजेेज टम्परेचर चेंजेेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल हमें क्या निष्कर्ष निकला हमने देखा कि इक्वेटर से पोल की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज हो रहा फिर हमने पता लगाया कि क्यों चेंज हो रहा है तो हमें रीजन मिलेगा दो इस तरह से हम दो हिस्सों में बांट लेंगे अपने पेज को और देखेंगे क्या देखेंगे पहला कि जहां पर हम लोग पहुंचे उस जगह का प्रेजेंट टेम्परेचर तो मान लीजिए इस वक्त इक्वेटर पे हैं तो इक्वेटर का प्रेजेंट टेम्परेचर प्रेजेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन उस जगह का उस वक्त का टेम्परेचर किस पे किस पे डिपेंड करेगा वो तो हमने पढ़ा ही है क्या पढ़ा है कि एंगल ऑफ सन एंगल ऑफ इंक्लेशन पढ़ा था ना लेटिट्यूड के हिसाब से चेंज हो जाता है तो जब हम इक्वेटर पे हैं तो एंगल ऑफ इंक्लेशन कुछ और है और जब हम पोल पे पहुंच गए तो एंगल ऑफ इंक्लेशन बदल गया तो क्या हुआ प्रजेंट टेम्परेचर किसी भी जगह का किस पर डिपेंड कर रहा है पहला एंगल ऑफ इनक्रिएशन यानी कि एंगल ऑफ सन रेज पर दूसरा क्या है मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट ये भी मैंने आपको बताया है कि हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है तो वो इनकी एक तो उसको इंसुलेशन अलग अलग मिलेगा और जो इंसुलेशन मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी अलग अलग होगी अगर वहाँ पर पानी है तो टेम्परेचर अलग होगा अगर वहाँ पर लैंड है तो टेम्परेचर अलग होगा अगर उसी के बगल में रॉक है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा तो किसी भी जगह का टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ सन रेज यानी सन की रेज कितने एंगल पर पड़ रही है अगर नाइन्टी डिग्री पड़ रही है तो इंसुलेशन ज़्यादा मिल रहा है अगर नाइन्टी डिग्री से कम या ज़्यादा है तो इंसोलेशन की मात्रा कम ज़्यादा हो गई दूसरा तो जब इंसुलेशन की मात्रा यानी हीट रिसीव कम हुआ तो टेम्परेचर अपने आप बदल गया और हीट रिसीव करने वाला के ऊपर डिपेंड करता है ना मान लीजिए कहीं से पानी आ रहा है किसी के पास एक बड़ा सा कटोरा है तो वो पानी को क्या करेगा ज्यादा इकट्ठा कर लेगा किसी के पास बाल्टी है तो वो उससे भी ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेगा किसी के पास ड्रम है तो उसके पास पानी इकट्ठा करने की क्षमता तो उससे भी ज्यादा है और किसी के पास कुछ नहीं वो हाथ हाथ के चुल्लू भर पानी ले पाएगा तो क्या है तो यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि वो मटेरियल कितना हीट अपने पास एब्जॉर्ब कर पाएगा और कितना हीट छोड़ेगा यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के आधार पर वहां पर टेम्परेचर डिसाइड होगा और तीसरा क्या है ये भी हमें पता है क्या डिस्टेंस फ्रॉम सी कि समुद्र से दूरी कितना है तभी तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का भी तो इफेक्ट आने वाला है तो अभी तक तो ये तीन चीज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं किसी भी जगह का टेम्परेचर इंसोलेशन उसको कितना रिसीव हो रहा है यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज मट और जो मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता यानी कि मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और फिर समुद्र से दूर यानी कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज अगर लैंड ब्रिज चल गया तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा सी ब्रिज चल गया टेम्परेचर घट जाएगा हो सकता है दिन और रात में ये सब चीज़ें होती हैं और तो अभी तक इतना ही पढ़ा है हम लोगों ने इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें होती हैं तो जो हमने पढ़ा है वो हमने लिख लिया एक्स्ट्रा अभी हमको नहीं लिखना क्योंकि अभी हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे जैसे जैसे-जैसे चीज़ें आएंगी अभी जितना हमें इस टॉपिक के लिए चाहिए उतना हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक अब क्या होता है तो किसी पॉइंट का एक होता है प्रेजेंट टेम्परेचर एक और फैक्टर होता है किसी भी पॉइंट का एक होता है एवरेज टेंपरेचर। अब कहिएगा सर ये एवरेज टेम्परेचर क्या है एवरेज टेम्परेचर का मतलब कि उस मान लीजिए डेट ले लिया एक जनवरी तो एक जनवरी को मिनिमम टेम्परेचर कितना था एक जनवरी को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था दोनों का एवरेज निकाल लिया मान लीजिए हमें पूरे मंथ का निकालना है एवरेज तो क्या करते हैं यही करते हैं ना सारे अमाउंट को यानी कि एक तारीख को देखा <coughs> सॉरी क्या टेम्परेचर था दो तारीख तीन तारीख से लेकर तीस तारीख तक का पूरा डेटा नोट डाउन किया सबको एडअप करके तीस से डिवाइड कर दिया पूरे महीने का निकल गया और अगर पूरे साल का निकालना है तो हर दिन का टेम्परेचर नोट डाउन किया और तीन से डिवाइड कर दिया तो पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर निकल जाता है किसी भी पॉइंट का होता है ना तो एवरेज टेम्परेचर किसी पॉइंट का निकालना है तो कैसे निकलेगा अगर मैं कहूं ऑन डेली बेसिस कि एक दिन का निकालना है तो कैसे निकलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर अपॉन टू आपने कहा नहीं सर मुझे पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर बताइए तो मैं कहूँगा ठीक है ऑन मंथली बेसिस क्या करेंगे डी वन का टेम्परेचर डी टू यानी कि दो तारीख का टेम्परेचर तीन तारीख का टेम्परेचर करते करते तीस तारीख का टेम्परेचर सबको जोड़ दिया और तीस दिन का है तो तीस से डिवाइड कर दिया ये मंथली बेसिस का टेम्परेचर निकल गया उस जगह का क्या उस जगह का मंथली बेसिस का टेम्परेचर निकला आपने कहा नहीं सर अब बताओ मुझे कि दिल्ली का साल भर का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा तो मैंने कहा ठीक है मैं एक जनवरी से लेके 31 इकतीस दिसंबर तक हर दिन टेम्परेचर नोट डाउन करूँगा क्या करूँगा ऑन एनअल बेसिस निकालना तो क्या करूँगा डी वन डी टू डी थ्री ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे हम पहुँच जाएंगे डी थ्री सिक्सटी फाइव पर और किससे डिवाइड कर देंगे थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साल भर का एवरेज टेम्परेचर तो किसी भी पॉइंट अगर हम अर्थ का लेते हैं तो हम क्या देखते हैं हम ये देखते हैं उस पॉइंट पर दो चीजें उस जगह का प्रेजेंट टेम्परेचर और उस जगह का एवरेज टेम्परेचर इसी के बारे का हम डिस्कशन करने में इन्हीं दो चीज़ों के बारे में अगर हम समझ गए और डिस्कशन करेंगे समझिए हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ठीक है और तो यहाँ पर जब हम ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम लोग के सामने एक चीज़ निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी यहीं बॉक्स में नोट डाउन कर लीजिए निकल के आएगी एवरेज टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अब कहिएगा सर ये आपने किस बेसिस पर लिख दिया एवरेज टेम्परेचर लेटिट्यूड के इनवर्सली हो यानी जैसे जैसे लैटीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज टेम्परेचर घटेगा अब ये कैसे हो गया तो चलिए ये भी समझा देता हूं ये चीज यहीं पर खत्म हो गई ये इसी का हिस्सा है इधर जो मैं लिखने जा रहा हूं वो एवरेज टेम्परेचर का ही हिस्सा है यहां पर जगह में समझा रहा हूं ठीक है ना तो देखिए मैंने ले लिया ये अर्थ ठीक ये है मेरा ज़ीरो डिग्री सेल्सियस और ये है नाइन्टी डिग्री सेल्सियस ठीक मान लीजिए यहाँ पर एक जनवरी को टम्परेचर है बीस डिग्री सेल्सियस ऐसे करते करते इकतीस दिसंबर को यहाँ पर टम्परेचर कितना हो सकता है पंद्रह डिग्री सेल्सियस तो वेरिएशन क्या है अल्टीट्यूड पर एवरेज टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा ज्यादा होगा भाई इक्वेटर है ना या चलिए इक्वेटर छोड़ दीजिए हम ले लेते हैं अपना जो टेम्परेचर हम लोग महसूस करते हैं ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ यहीं पर अपना इंडिया है ना ये अपना इंडिया यहीं पर है ना ट्वेंटी थ्री एंड हाफ पर यहाँ क्या है यहाँ पर हमने देखा है कि टम्परेचर जो है वो चालीस डिग्री सेल्सियस भी पहुँचता है और आठ डिग्री सेल्सियस भी पहुँचता है कभी कभी तो, तो अगर मैं ऐसे चालीस है कहीं कभी किसी दिन बीस होगा किसी दिन पच्चीस होगा किसी दिन आठ होगा तो ये अगर आप निकाल रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि एवरेज टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा कि आएगा देखिए डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का इन्वर्सली है यानी जितना आप हाई जाओगे एवरेज टेम्परेचर उतना ही बदलाव कम होगा तो यहाँ पर वेरिएशन कितना है चालीस से आठ का कितना हो गया थर्टी टू डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन देखने को मिल रहा है और अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल पर मैक्स माइनस तीस रहेगा और बहुत गर्मी पड़ी तो कितना होगा माइनस दस रहेगा इससे तो नहीं ना डाउन होगा टेम्परेचर पोल का तो वेरिएशन कितने का आया बीस डिग्री सेल्सियस का आया तो बत्तीस डिग्री का वेरिएशन ज़्यादा है कि बीस डिग्री का वेरिएशन ज्यादा है बत्तीस डिग्री ज्यादा वेरिएशन है ना लेकिन लेटिट्यूड तो कम है इक्वेटर पे और ज्यादा वेरिएशन मिलेगा तो जैसे जैसे हम लेटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एवरेज टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो ये जीरो डिग्री मिनिमम लैटिट्यूड ऊपर बढ़ते गए लेटीट्यूड बढ़ रहा है तो एवरेज टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि वेरिएशन कम होता है पोल पर वेरिएशन बहुत कम होगा अगर देखा जाए तो माइनस तीस होगा तो बहुत हुआ तो माइनस उनतीस हुआ बहुत हुआ तो माइनस अट्ठाईस हुआ करते करते माइनस दस तक पहुंचा लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर कभी चालीस है तो कभी बीस है तो कभी पच्चीस है तो इसका रिजल्टेंट तो ज़्यादा आएगा ना भाई और डिवाइड तो दोनों को तीन सौ पैंसठ से ही करना है तो इसका अगर रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ लेटीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे, वैसे एवरेज टेम्परेचर घटेगा या जैसे जैसे डिग्री ऑफ लेटीट्यूड घटेगा वैसे वैसे एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोग सोचते हैं कि अरे पोल पर तो बहुत कम टेम्परेचर रहता है तो वहाँ तो एवरेज टेम्परेचर बहुत हाई होगा नहीं पोल पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है यानी हाई लेटिट्यूड पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है एक्चुअल टेम्परेचर वेरिएशन तो ये तेईस डिग्री से जीरो डिग्री के बीच में है क्योंकि हमने देखा है कि सन इतने से इतने के बीच में ही तो मूव करता है इसके इधर सन जाता नहीं इसके इधर जाता नहीं तो सन जहां मूव करेगा वहीं पर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन आएगा ना तो वहीं पर क्या होगा रिजल्टेंट भी ज्यादा आएगा जब रिजल्टेंट ज्यादा आएगा तो तीन सौ पैंसठ से डिवाइड करेंगे तो तो वैल्यू भी एवरेज की वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगी तो जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा वहां पर एवरेज ज्यादा आएगा तो वो पॉइंट है जीरो डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो हमें टेम्परेचर में क्या मिलेगा एवरेज वेरिएशन कम मिलेगा यानी एवरेज टेम्परेचर कम आएगा इसीलिए कहा जाता है एवरेज टेम्परेचर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटीट्यूड और यही सब बातें सेंटेंस में लिख देता है यूपीएससी क्या करता है इन्हीं बातों को सेंटेंस में लिख देता है और फिर आप कहते हो कि अरे यार ये क्या पूछ लिया सोच में पड़ जाते हो आप लोग कुछ नई चीज़ तो लेके आया ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा अपना बचपन का मैथ है ना एवरेज निकालना तो सातवीं आठवीं क्लास में सीख लिया था भाई कहीं पर अगर मैं लिखूं चालीस प्लस थर्टी नाइन थर्टी एट ट्वें थर्टी सेवन ट्वेंटी नाइन इस तरह का प्लस लूँ और कहीं पर मैं ले रहा हूँ क्या तीस इकतीस बीस उन्नीस ऐसे ले रहा हूं तो अब इसका रिजल्ट और इसको भी तीन सौ पैंसठ से डिवाइड करना है इसको भी तीन सौ पैंसठ से डिवाइड करना है ऐसे साल भर लेना है अब देखिए इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा तो जब ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा है तो रिजल्टेंट भी ज्यादा है क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है बस वही चीज होता है इसी चीज को सेंटेंस में लिख दिया तो कहा अरे ये क्या लिख दिया या ऐसा कोई इस तरह से बनाकर लिख दिया तो अरे ये क्या लिख दिया कुछ नहीं लिखा है भाई सिंपल सा मैथ है और कुछ नहीं है सेवेंथ एट का मैथ है ये और कुछ नहीं है बस लॉजिक को समझना है तो हमें क्या पता चला हमें दो चीजें पता चली कि किसी भी जगह के बारे में जब हमें टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो हमें वहाँ का एवरेज टेम्परेचर पता होना चाहिए उसी के बेसिस पर हम कंपेरिजन करते हैं या तो प्रेजेंट टेम्परेचर पर कंपेरिजन करते हैं या एवरेज टेम्परेचर पर कंपेयर करते हैं क्योंकि कहते हैं ना भाई यूरोप ठंडा जगह है क्यों ठंडा जगह है क्योंकि साल भर वहाँ का टेम्परेचर इंडिया के मुकाबले कम रहता है हमने अपना साल भर का एवरेज टेम्परेचर निकाला कितना आया बीस डिग्री सेल्सियस यूरोप वालों ने अपना साल भर ऐसे ही टेम्परेचर निकाला उन्होंने कहा कि यार हमारा तो दस डिग्री आया तो बीस डिग्री गर्म है दस डिग्री ठंडा है इंडिया के मुकाबले यूरोप ठंडा है अफ्रीका इंडिया के मुकाबले गर्म है क्यों क्योंकि वहां का एवरेज टेम्परेचर कितना आया साल भर का वहां का आया पता चला कि वहां तो हमेशा हाई टेम्परेचर बना हुआ है ठंडी में भी वहाँ पर गर... वहां तो ठंडी पड़ी नहीं रही है हमें कभी तो कहा कि भाई वहाँ तो टेम्परेचर हमेशा कितना बना रहता है तीस बत्तीस बना रहता है अब बत्तीस 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 तीन सौ पैंसठ बार लिख दीजिए देखिए अपने आप अभी रिजल्टेंट आपका ज़्यादा आ जाएगा और यहाँ पर आप मान लीजिए कि बीस बीस भले चालीस है और आठ है तो एक बार चालीस है तो एक बार आठ है दो बार आप बत्तीस जोड़ दीजिए और एक बार चालीस और आठ जोड़िए जोड़ किसका रिजल्टेंट आ गया वो चौंसठ पहुँच गया या अड़तालीस ही रहा तो एवरेज तो किसका हाई आया एक अफ्रीका वाले का हाई आ गया ना तो लो लेटिट्यूड हाई एवरेज टेम्परेचर इंडिया हाई लेटिट्यूड देन अफ्रीका लो एवरेज टेम्परेचर क्या हुआ सिद्ध हो गया ये चीज ऐसे ही होता है तो किसी भी जगह का टेम्परेचर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी इन सब चीजों पर डिपेंड करता है और एवरेज टेम्परेचर कंपेयर करने का काम करता है ये दो चीज़ें जब हमें पता हैं तो फिर हम उसके बारे में टम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं ये दो कंसेप्ट समझा जरूरी था इसके बाद तब हम समझेंगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अल्टीट्यूड के आधार पर और क्या कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी लोकल एस्पेक्ट इन सब चीज़ों को अब समझेंगे ठीक है यहां तक समझ में आ गई बात ठीक तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो गिव्स योर सजेशंस इन द कॉमेंट्स थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी मच